चलो चलो तो बड़ी जस्ट मैं अभी उठा और अभी का टाइम 5 बज गए बड़ी। देख लो बाहर का नजारा, सुबह 5 बजे ऐसा होता है हमारे यहाँ पे। तो है बड़ी वेलकम बैक टू न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग। और आज हम यहाँ से ऐसा सीन है कि हमें यहाँ से बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा। 7 बजे बस है हमारी और 12:30 बजे ट्रेन है। 7 बजे निकले तो 10:30 बजे पहुँच जाए। तो आराम से जाएंगे, अपनी जर्नी इंजॉय करेंगे और आप भी इंजॉय करेंगे। पैक हो गई, सैंडविच मिक्स सब डाल दिया मैंने और रेडी निकलने का कर टाइम है। निकल चुके हैं हम, बंदे ने बहुत लेट कर रहे हैं, मोटे निकल रहे हैं तो अब टाइम पे वापस पहुँच रहे हैं। चलो फाइनली यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ बस से उतर गए हम और यहाँ पे स्टेशन पे जाने वाले हैं और सारे बंदे साथ में। बच्चे को बहुत मजा आ रही है ट्रिप में, ये बहुत इंजॉय कर रहा है, इसको अब बहुत भूख लगी, अब जोरों से भूख लगी है। और ये बंदे देखो यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, देख लो वो बंदे आके फोटो शूट कर रहे हैं, अपना बड़ा बंदा। तो बड़ी फाइनली रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं हम। स्टेशन के अंदर आ चुके गाइस, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़, मतलब भीड़ भी नहीं है बट आवाज नहीं आ रहा हमारा। और ये बंदा देख लो क्या कर रहा है, इंक्वायरी कर रहे हैं किसकी, स्टेशन की, मतलब टिकट चेक की इंक्वायरी कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म। तो ये कुछ बातचीत कर रहे हैं, फलतू बात कर रहे गाइस, नहीं थोड़ा गाइस। अभी हम उनको हमारे पेपर दे चुके हैं और वो निकाल रहे हैं जेरोक्स। गाइस अभी हमें, मुझे सैनिटाइजर लेना था, हमें मतलब मुझे ही सैनिटाइजर लेना, तो अभी स्टोर मिला नहीं, मेडिकल स्टोर एक दो मिले थे वहाँ पे नहीं था। तो अभी हम जा रहे हैं और ये कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज इनका स्टैचू। सैनिटाइज़र था वहाँ पे, दुकान से ले लिया, मतलब मेडिकल से, वो ये कर रहा था सैनिटाइज़र चाहिए सैनिटाइज़र। ये भैया अंदर चिवड़े का पैकेट ले रहा है, लिया होगा उसने। पागल हाँ गाइस, अब स्टेशन पे जाना पड़ेगा, वो लोग चिल्ला रहे हैं, फोन पे फोन आ रहा है, फिर भी हम अवॉइड करते हुए हमारा एंजॉय कर रहे हैं हम। यहाँ पे कुछ 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 काम कर रहे सारे बंदे हैं ना, खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। अभी डब्बा तो नहीं खोला, अभी खोलेंगे और खा लेंगे आराम से। खाना खाना हो गया, मोटी ने ज़्यादा खाना खा लिया। अब पानी भरने के लिए जाएंगे, गर्म पानी ठंडा नहीं चिल्ड, लेकिन वो भी पियेंगे। तो बड़ी अपनी खाना तो खा लिया, गाड़ी आने का वेट करेंगे हम, उसके बाद निकल जाएंगे। मोटा देख लो क्या कर रहा है, उसकी पोटेंशियल पूरी ख़त्म हो गई है, फिट के थक गया है, गाड़ी अब तक भी नहीं आई। अबे भोसड़ी के, अब आएगी आएगी, रुक जाए, एक एक घंटा रुक जाए, गाड़ी आएगी, आराम से आएगी।
दो घंटे डिले हो चुका है गाड़ी के लिए। कौनसा भी स्टेशन आया लगता मजा आ रहा है। अब तो निजामबाद तक पहुँच जाएंगे, एक दो घंटे में पहुँच जाएंगे। देखना पड़ेगा ऐसा देखना पड़ेगा। यहाँ पे सारे बंदे फ्री बैठे हुए, ये मोटा साढ़े छः। अब नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है? काचीगुड़ा। तो नेक्स्ट स्टेशन बड़ीज काचीगुड़ा है, तो वहाँ पे हम नीचे उतरेंगे। तो बड़ीज ऐसा सीन है बाहर पे, और गाड़ी है ना 110 की स्पीड से जा रही है। स्पीड तो बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड है, मेरा आवाज़ पे आपको नहीं आ रहा। आवाज़ भी नहीं आ रही। बताते हुए कि सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर एक बार एक बता दो कि सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें पता है सर की। और सर यहाँ पे खुद ही ऐसे बैठे प्रयास से। अरे मोटा क्या। तो यहाँ पे एक नया स्टेशन आ चुका है, तो वहाँ पे देख लेंगे इस साइड पे। और इस साइड पे प्लेटफॉर्म नहीं है, तो स्टेशन पे बाहर हम जा नहीं सकते। लेकिन कुछ नहीं, तो अभी थोड़ा ये हमारे हमें गाइडर के नाम से मिल गए, लाइक गाइडर। तो हम उनको पूछ रहे हैं और ये हमें बता रहे हैं क्या करना है, कुछ नहीं। हम हमारा बड़ी सामी हम सोने का टाइम हो चुका है। अभी हमने डिस्कशन तो कर लिया है सब, क्या करना है कैसे करना है वो तो सब हो गया है। बट ये देखो ये क्या कर रहा है। सोएंगे गाइस और मिलेंगे फिर। बाय बाय, गुड नाइट गाइस। चलो बाय, मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। ये उठ गया बंदा अभी, और मैं सुबह 5 बजे उठा था। ब्रश भी कर लिया, यहाँ पे मदनपल्ली, कौन सा भी स्टेशन है मदनपल्ली नाम सुन के। यहाँ पे अपनी ट्रेन रुक गई है। चाय नाश्ता तो कुछ नहीं किया हमने। फाइनली बड़ीज तिरुपति पे पहुँच गए हम। आ जाओ। लोग आ चुके हैं तिरुपति। प्रेम भाई यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। लॉकअप पे यहाँ पे बहुत, यहाँ पे लगेज यहाँ पे अंदर रखेंगे और यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे। हाँ भाई, लगेज आएगा हमारा। और 3000 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए हम तैयार हैं। आप देखने के लिए तैयार हो तो लाइक कर देगा अभी। सो फाइनली गाइस, अभी हम यहाँ से हमारे लगेज वगैरह लॉकअप में रख आए हुए हैं। और ये देखो सब पीठ बहुत दुख रही है, इसने आगे बैग रखा था इसलिए। कौन बोला आगे रखने के लिए? तुझे मालूम होगी, ठीक है रहने दे। गाइस यहाँ पे इस टनल से होते हुए हमारे डेस्टिनी पे हम जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत पसीना आने वाला है और घूमते जाने वाले, चप्पल भी नहीं पहन। वहाँ तक जाना है, आप देख सकते हो यहाँ का मंदिर। कुछ सो गाइस, यहाँ पे काउंटर पे हमें कुछ खाने के लिए मिल गया था, और ये हम सब खाए, ये खा रहे हैं। और ये बच्ची लोग हमें नए मिल गए थे, फ्रेंड मिल गए थे। हाँ ये मिल गए थे ना, और अभी हमें यहाँ से जाना है। तो गाइस मिलते हैं आगे। यहाँ से हम जाएंगे, इधर दर्शन लेंगे, दिखाएंगे आपको क्या है क्या नहीं, कुछ क्या सीन बन रहा है। तो गाइस अंदर जाते हो यहाँ, कुछ ऐसा सीन है।
यहाँ से हम अंदर जाएंगे, वो देखो आगे आगे दौड़ रहे, रुको मार्कल मार्कल रुको, यहाँ का कुछ ऐसा सीन है गाइस। हम एक क्लिप लेने वाले हैं यहाँ पे, ये कुछ ऐसा सीन है भाई यहाँ का, देख लियो। ओ नाइस, तो बड़ीज अभी हम आ चुके 950 सीढ़ियाँ पार करते हुए, और यहाँ में हम बैठे ड्रिंक कर रहे हैं, ये भी ड्रिंक कर रहा है मार्कल। उतना डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी पसीना बहुत आ रहा है, देख लो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, बहुत पहाड़िया पहाड़िया है, हैं ओह। तो बड़ीज यहाँ पे हमने 2083 स्टेप्स पार करिए, और यहाँ पे ये बैठा है मार्कल भाई, बैठे यहाँ पे, और ये हमारे नए दोस्त ये, और ये कितने रह गए, 1400 135 रुपये नीचे नहीं, ऊपर अपना रहता ज्यादा। अच्छा ये अभी आ गया था। तो गाइस अभी हम थोड़ा पास आ चुके हैं, मुझे लगा वहाँ पे ही शायद आ गया था, और नहीं आ गया, ऑटो वगैरह है यहाँ पे 1000 और यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो हे बडीज अभी हम पी रहे हैं मट्ठा, वो वहाँ पे सर आईजीआ गेम के, ये हमारे अब तक हमने लगभग 2300 क्रॉस किए थे, और अभी तो बहुत, ये तो पसीना कितना है भाई, अभी एक घंटा पूरा लगेगा चढ़ने के लिए, और दो घंटे से कंटिन्यू चल रहे, कम से कम है ना 9 किलोमीटर ऊपर है, तो अब चढ़ना पड़ेगा और वहाँ पे जाए। ये देख सकते हो, हाँ ये हीरा लगे, मतलब हीरा, ये देख लो। तो गाइस अभी ये नया पुल बना है यहाँ पे, और वहाँ पे मूर्ति है कृष्णा की, और ये पुल बनाया है। तो बड़ी यहाँ पे देखो सबसे बड़ी मूर्ति है हमारी, ये है फॉरेस्ट म्यूजियम, और यहाँ से अंदर पर कैंडिडेट 5 रुपीज है ना। ले रहे इसकी खींच रहे कोई नहीं। तो बड़ीज यहाँ तक हम तो आ चुके हैं, यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर पे रुके हैं थोड़ा सा, आपको मंदिर दिखा जाओ, रुक जाओ। मंदिर होने के बाद ये थोड़ा अच्छा सीन लगा, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, रे देखो थोड़ा यहाँ पर गजब वाला
माहौल है यहाँ तिरुपति आने का, यही मजा है कि पूरा सीन नेचर का है और एनवायरनमेंट इसका मतलब गुड क्वालिटी है। तो चलो आगे बढ़ेंगे। फाइनली बडीज, इतना चलने के बाद कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर चढ़ा आपने? 21 किलोमीटर। और पहले तो यहाँ पे एक रूल है बोलते, मतलब यहाँ पे घुटने पे चलना पड़ता है। देखो सब चढ़ रहे हैं, चढ़ पाएगा घुटने पे? चढ़ पाऊंगा। वैसे 5 स्टेप ही चढ़ना है हमारे लिए। मैं जाता हूँ उधर, तेरे जाओ तू पैर में काम करता है एक बात पे। रुक 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 है ना। तो बड़ी से यहाँ पे 3000 स्टेप्स। तो बड़ी से अभी है फाइनली हम आ चुके हैं वो दिखाना है डेस्टिनी पे। हाँ ये आखिरी दिखा दे, ये आखिरी पायरी है हमारी, आखिरी स्टेप है। फाइनली बड़ी अभी 360 हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखो ये भैया ने मेरी बहुत मदद की, थैंक्स भैया। एक बार बोल दो मार्केट ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दो ब्रो, तू भी बोल दे। अरे आपका ये तो फाइनली बड़ी हम मंदिर में एंटर कर रहे हैं और इतना मज़ा आ रहा है, लेकिन मेरे पैर सपोर्ट नहीं कर रहे। भैया तुझे कैसे लग रहा है? रोटी कैसे लग रही है? हाँ बुरा हो चुका है क्योंकि पैर मर गए हमारी चल चल के। अब लगेज लेने के लिए हम दुबाए जो लगेज राम ने रखा था, और ये देखो लाइन में लग गए पूरे बंदे। लगेज पूरा लेंगे फिर वापस से रूम बुक करने के लिए जाएंगे। सब तकलीफ करके आए गए, यहाँ से हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और दर्शन करने में हमें लगभग 2-3-4 रात के बच सकते हैं। तब तक हम मोबाइल वापस यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको वो डायरेक्टली हम आपको एक डायरेक्टली दर्शन होने के बाद ही मिलेंगे।